जी सर बताएंगे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या औचित्य है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का औचित्य ये है कि आचार संहिता लग चुकी है, बीजेपी जेजेपी की विदाई का टाइम आ चुका है, लोगों का कांग्रेस में मन बन चुका है। हम सब साथी जो यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार हैं और हम सब चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का झंडा और डंडा लेकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। आप पांच लोग हैं कैंडिडेट के दावेदार हैं, पांच लोग पांच पांडों के नाम से भी जाने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि पांचों की सहमति बन पाएगी एक पे? देखो हम पहले भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं और कल भी आपको इकट्ठे मिले। हम सब कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमने घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी को, चाहे लोकसभा चुनाव से पहले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान था, चाहे हर घर बूथ अभियान था, अब भी कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं उन सबका प्रचार हम घर घर जाकर कर रहे हैं। हम सब लोगों को कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस की नीतियाँ सबका पता है। हमारी वफादारी, हमारी लॉयल्टी किसी से छुपी नहीं पार्टी के प्रति। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमने कांग्रेस में रहना है, जय राहुल जय खड़गे कहना है। तो क्या लगता है, कहने का भाव ये है कि जिस तरह के इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, कैंडिडेट पर अभी चर्चा हो रही है, आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, भाई अगर पांचों में अगर आपको एक कैंडिडेट चुनना होगा तो उसका चयन किस प्रकार से करेंगे, क्या चयन रहेगा? देखो ये बातें मीडिया के सामने करने वाली नहीं है, ये बातें बंद दरवाजे में अगर हमारे को हाईकमान बुला के पूछेगा तो हम अपनी व्यक्तिगत राय पांचों इकट्ठी होकर देंगे। इसके अलावा जो है मीटिंग की जाएगी, आपकी मीटिंग के बाद हाईकमान को बताया जाएगा। तो जी कृष्ण जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज पांचू पांडू पांचू भाईचारा बढ़िया चला, साढ़े चार साल से अब इकट्ठे हैं, अब भी इकट्ठे हैं। जो हाईकमान फैसला करेगी हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भाई को दो, हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही कांग्रेस के साथ रहेंगे और टुहाना से जीत दिलाकर कांग्रेस की जोड़ी में टुहाना की सीट निकालने का काम करेंगे। अन्य कैंडिडेट और भी हैं मैदान में आए हैं, दूसरी पार्टियां छोड़कर भी आए हैं कांग्रेस में, वो भी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं कि प्रबल दावेदारी कर रहे हैं कि हमारी टिकट हमारी है, तो उसको उन लोगों को किस तरह देखते हैं? अगर उनमें से किसी को टिकट मिलती है तो आपका रुख क्या हुआ? देखिए हम तो किसी को मिलो कांग्रेस के साथ है, लेकिन जल कल जो किसानों का फैसला था, अपने किसान भाई ज्यादा है जाखड़ साइड में 45 गांवों का फैसला था कल, जो जेजेपी से बीजेपी से आए हैं उनको टिकट देगी तो किसानों का आंदोलन शुरू होगा, तो कांग्रेस को पार्टी को वोट नहीं देंगे, जो उनका कल का फैसला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो भी किसानों का समर्थन किया, चाहे किसान आंदोलन की बात हो चाहे कोरोना काल की बात हो, जो लोगों के बीच में रहे हैं स्वीकार उन्हें को करेगा टुहाना का। हम पांचों में से जी जान से मेहनत पांचों ने कर रखी है, हम जी जान से किसी को मिलो हम कर। आप किसानों को बीच में ले रहे हैं कि किसानों ने विरोध किया, अगर किसी और को मिलती है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा ये बताइए? स्टैंड रहेगा कांग्रेस को वोट देंगे हम, कांग्रेस किसी को पार्टी को किसी चाहे जेजेपी या बीजेपी से कोई भी आए कैंडिडेट, लेकिन सारा नोटिस में हाईकमान का ऐसा होने वाला नहीं है, अगर होगा तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ उनके साथ मन साझा करने के लिए तैयार रहेंगे, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं कोई भी आओ। जी जी रमेश जी आप भी पांच पांडवों में शामिल हैं और कृष्ण जी ने कह दिया है कि किसी को भी टिकट मिले तो ये उसी का साथ देंगे, तो आप क्या आपकी क्या राय रही? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव का विगल बच चुका है और कांग्रेस पार्टी जो टिकट का जो पैमाना है वो एक क्राइटेरिया होता है, जो दो बार चुनाव हार चुका उसे टिकट नहीं मिलेगी, और जो लगा पिछले छः वर्षों से कम मिनिमम है पार्टी की अनिवार्यता है कि छः वर्षों से पार्टी के अंदर काम किया होना चाहिए उसे टिकट मिलेगी। मैं 40 साल मेरी उम्र है और 20 साल में पार्टी के पदों पर रहा हूँ। आपने अभी जिक्र किया कि पार्टी जेजेपी और बीजेपी, ये साथी जो आज कह रहे हैं टिकट मेरी जेब में है, इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि टिकट हमारी जेब में है और पिछली बार भी जनता का जनता सब जानती है क्योंकि उन्होंने पिछला चुनाव पार्टी के खिलाफ लड़ा था, और अभी भी आज मात्र चार दिन में पार्टी ऐसा कहीं नहीं होता कि मात्र चार दिन से आए हुए कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे टिकट नहीं देती, और जेजेपी और बीजेपी से जो साथी पार्टी में आया है या आने वाले हैं उन्हें किसी भी तरीके से ना हम स्वीकार करते ना जनता स्वीकार करती। हम किसान के बेटे ही तो हैं, हमने तो विरोध किया था, हम बार बार उनके घर के आगे गए थे, हम निशान सिंह जी के घर के बाहर भी गए थे कि आप इस्तीफा दीजिए पार्टी से, देवेंद्र बबली सिंह के घर के आगे भी गए थे, देवेंद्र सिंह बबली ने कहा भी था कि ये पार्टी ठीक नहीं, लेकिन उनके ऊपर क्या दबाव रहा, किसका डंडा चला, क्या चला, वो पैसे में हुआ या क्या हुआ, उस बात को तो देवेंद्र सिंह बबली जानते हैं, लेकिन आज देवेंद्र सिंह बबली की हालत क्या हुई है, जो कांग्रेस को गाली निकालता था आज उसे ही
दर दर जो नेता हमारे कांग्रेस के उनके दर दर भटकता फिरता है और बेचारे को बिल्कुल नकार दिया है, जो अपना झंडा झंडा डंडे की बात कर रहा है, लेकिन मैदान में आए हम सब तैयार हैं। और मैं आपको बिल्कुल ये विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी पूरा पैमाना देख के, पार्टी का एक कैडर का विषय है और पार्टी अपने सैद्धांतिक जो रूल जिन्होंने निभाए, चाहे वो यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, सेवा दल, पार्टी से जुड़ा उसी साथी को टिकट दी। अगर एक 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 परसेंट किसान आंदोलन का हमेशा से हिस्सा रहे हैं जी, आपने प्रदर्शन भी किए हैं अन्य पार्टियों के खिलाफ, जो भी कैंडिडेट सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ जो है प्रदर्शन भी किए हैं, तो अगर ऐसे किसी कैंडिडेट को मिलता है टिकट देते हैं जो बाहरी कैंडिडेट, उसको क्यों है आपका रुख बताइए भी, स्पष्ट रूप में बताइए भी आप पांचों का रुख क्या है। देखिए हमने पार्टी नेतृत्व को भी बता दिया है और हमारा भी साफ रुख है कि जेजेपी और बीजेपी से जो साथी आएगा उसके साथ न तो जनता है और ना टुहाना के नेता है। हम साफ कह रहे हैं हम पार्टी कैडर के व्यक्ति को पसंद करते हैं। हम किसी बीजेपी के, कल तक तो हम उनका विरोध किया था, हम परसों जाकर के किस तरीके से उनके साथ वोट मांगे। किशन जी अभी कह रहे हैं कि एक साथ मंच साझा करेंगे। हमने आपको कह ही दिया कि पार्टी किसी भी कीमत पर जेजेपी बीजेपी, ये तो आप जेजेपी बीजेपी की बात कर रहे हैं, अगर पांचों के अलावा किसी और मिलती है तो भी आप समर्थन करोगे? हाँ जी, पार्टी कैडर का तो साथ है तो हम समर्थन करते हैं। हमने पार्टी नेतृत्व को बता दिया है कि हम बेहतर हैं, यदि हमसे बेहतर कहीं आपको कोई और लगता हो तो आप उसे टिकट दे और हम सब साथी मिलकर के, हमारा एक ही निशान है। हम ये नहीं देखते कि पार्टी का कैंडिडेट कौन है, हम हमारा हाथ का निशान देखते हैं जब ईवीएम के पास जाते हैं। और वही अब किसान साथियों ने, युवा साथियों ने, मजदूर महिलाओं ने सब हाथ का एक मन बनाया हुआ है, कैंडिडेट कोई हो वो कांग्रेस का। एक तरफ आप कैंडिडेट कोई भी हो, एक तरफ जेजेपी और बीजेपी के से आने वालों का विरोध कर रहे हैं, वो तो हमने क्लियर कहा है बीजेपी जेजेपी से जो साथी आए हैं उनको किसी भी हालत में टिकट नहीं है, क्योंकि एक पार्टी का क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया पूरा ही नहीं करते। हमने उनसे बार बार इस्तीफा मांगा था, तब तो सत्ता के लोग में वहाँ बैठे रहे और आज वही साथी कांग्रेस के दर दर मतलब दरवाजे पर आ रहे हैं जी। तो बुढ़ानिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। बुढ़ानिया साहब आप क्या कहेंगे, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्यों रखी है और क्या रणनीति तैयार की गई है? देखो जी, अब चुनाव का बिगुल बज चुका है और पांचों पांडवों ने हमने कमर खींच ली है और चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी को टुहाना से बहुत अच्छे मतों से, मतलब कम से कम 5,000 वोटों से, 50,000 वोटों से जिता के बैठेंगे जी। और अगली बात यह है कि अब पांच पांडव हैं जी, पांचों इकट्ठे हैं जी, जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ। हमारा कहने का भाव ये है, बार बार एक ही सवाल आ रहा है अभी, जैसे कि आप विरोध भी कर रहे हो कि बाहरी कैंडिडेट जो नए पार्टी ज्वाइन करके आ रहे हैं या फिर जिनका कभी विरोध रहा है, ऐसे कैंडिडेट को अगर कांग्रेस उतारती है तो आप लोगों का रुख क्या होगा, ये आप साफ करिए, जनता आपको देख रही है, आपका रुख साफ नजर। देखो जी, बिल्कुल साफ रुख है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ जी, कैंडिडेट आएगा कोई भी उसका हम जो जोरदार विरोध करेंगे और हम भी पांचू पांडु जोरदार विरोध करेंगे। और क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसके कुछ नियम कायदे हैं, नियम कायदे के अनुसार इन दोनों बंदों को टिकट नहीं मिलेगी किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। यार मिल भी जाती है, देखो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कांग्रेस पार्टी एक माँ है, माँ के पहले ही 20 बच्चे हैं उसके बाद या टुवाड़ा, और 20 में से पहले ही एक दो बच्चा भाग चुका है, इधर उधर हो चुका है, गद्दारी कर चुका है। अब दूसरे जो बच्चे हैं, बाहर के बच्चे हैं, जो बाहर के और घुसने की कोशिश कर रहे, पहले माँ अपने पैदा किए हुए बच्चे को बचाएगी, उसका ख्याल रखेगी, बाहर वाले बच्चे का बाद में देखेंगे। अभी तो नए नए आओ, काम करो पार्टी में 10 साल कम से कम, उसके बाद देखा जाएगा, कोई टिकट नहीं मिलेगी। और बात रही टिकट की, आप ये कैसे कह सकते हैं उनको टिकट मिलेगी, टिकट मिलेगी तो हम जोरदार विरोध करेंगे। अच्छा, पांचों में अगर सहमति बनती है, किसी की सहमति बनती है, पांचों इकट्ठे रहोगे? हाँ बिल्कुल इकट्ठे रहेंगे, और जो जेजेपी बीजेपी से कोई आदमी आके फिर भी हमारी माँ टिकट दे देती है उसको, फिर भी दे देती है, वैसे तो देगी नहीं किसी भी टिकट पर, तो हम जोरदार विरोध करेंगे क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। और हम ये लगाओ जी, जो लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी थी हमारी,
जो आज हम इसमें सांस ले रहे हैं, आज़ादी में जी रहे हैं, हम भगत सिंह के बचपन से गाने सुनते थे, माए रंग दे बसंती चोला, हम तो भगत सिंह के वे हैं जी, मतलब भगत जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी। और जिसने भी भगत सिंह पर दाग लगाने की कोशिश करी है कि या करेगा, हम उसके जोरदार विरोध करेंगे। जो जेजीपी बीजेपी से नहीं है, अदर कैंडिडेट है, क्या उसका समर्थन करोगे आप? आप साथियों ने एक सवाल पूछा कि बीजेपी और जेजेपी से आए हुए बार बार आपकी एक ही बात है, मैं उस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे चौधरी विजेंद्र सिंह हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र ऐसे सांसद थे जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। किसानों के विरोध के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। आप इस बात के ऊपर चर्चा ना करें, इस वाणी को विराम दें। कांग्रेस की टिकट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलेगी, कांग्रेस के कैडर के आदमी को मिलेगी, इस बात की वाणी को विराम लगा। जी बलदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ जी, जो कांग्रेस की टिकट है अब की बार जो टोहाना में जैसे शैलजा बहन जी आई 50,000 वोटों से हमने जीत के भेजा यहाँ से, और सारों ने पांचों पांडवों ने एक साथ गर्मी के अंदर पूरा जोरदार हमने क्या नाम दिया करा बहन जी के लिए कार्य कराया, और आगे भी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी और जो जिसको भी मिले उसके साथ में हम जोरदार समर्थन करेंगे और कम से कम 50 से भी ऊपर 1,000 वोटों से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद। हाँ जी बलदेव जी, जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ कहना चाहेंगे गाला कढ़ते हैं, वह भी टिकटा मंगते हैं, जो जाके तो देख जाखड़ जाखड़ बेल्ट के जेडे मतलब अगले बार पहला मतलब पिछले 19 च बीजेपी वोट पवाई गए ने कांग्रेस के बड़े होके तो वह भी टिकटा मंगते हैं, दो बारी हारे का हुड्डा साहब ने कहा भी इस बार टिकट नहीं, उस परिवार को टिकट नहीं, फिर भी वह दावेदारियां पाते हैं। यह पंजे पांडू बैठे ने पंजा चो किसी को टिकट मिले, असी मेहनत करिए लोग सभा के इलेक्शन के पंजा चो जिन्हों मिलेगी टिकट असी उन्होंने नाल पंजा दे विच ही टिकट है, पंज ही कांग्रेस है, ये तो इवें कोई दूजा क्रंतु परंतु करी जाता, जिहड़े अज आए ने वो भी अज आखते हैं भी साडी टिकट पक्की है, साडी जेब दे विच है, कोई ऐसी कांग्रेस पार्टी नहीं हैगी जिहड़ी जेब च पा के तोड़ दिंदी है उत्तों दिल्ली तो, ये तो देखूगी मीडिया भी उत्थे दसूगा, होर किसान ने होर है सारे चर्चा करेंगे, ता करके टिकट मिलेगी, ए थोड़ी ना भी गाला दे के टिकट मिलेगी। कई लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं ना, दावेदारी का कोई भी है मतलब लोकतंत्र है, चाहे तुसी भी करो कोई भी करे, भरा खड़े ने ओनू हटाऊगा कौन, कोई भी करे। बलदेव जी इस प्रकार से बुढ़ाने जी ने बच्चे की बात की, लेकिन उस बच्चे ने तो कांग्रेस में बहुत पहले जन्म लेते, उसको छोड़ेगी उसकी माँ? नहीं बच्चे को छोड़ता नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ दी, ये लगता है छोड़ दो किसने नहीं छोड़ दी, सुधार का तो टाइम सुधार तो देखो टाइम है ना, 10 साल का तो टाइम हो। हाँ तो जी किशन जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ भाई, आप बार बार कह रहे हो भाई पार्टी टिकट किसको देगी पार्टी टिकट, एक फन्ने खा अपने आप में ये कह रहा था एक महीना पहले भाई मेरे घर पे पार्टी टिकट दे के जाएगी, मेरे घर पे लोग वोट दे कर जाएंगे, आज आचार संहिता लगने के बाद उस आदमी का हाल देख लो, कोठी पे कितने आदमी हैं, 4 आदमी भी नहीं है, आज उसका हाल देख लो, गलत बोलने वाले का, जिसको किसानों ने गाली दी, सरपंचों को गाली दी, समाज को गाली दी, लोगों पे केस बनवाए, आज वो पार्टी कह रहे हैं मेरे घर पे टिकट दे के जाएगी, आज उसको कोई संभालने वाला नहीं है, उसका हाल देख लो। अगर मिल जाती है तो क्या रहेगा स्टैंड? जिक्र ही नहीं है किसी बात का, मिल जाएगी कैसे, गाली देने वाले को टिकट कैसे दे देगी पार्टी, 5 पांडू है, 5 पांडुओं ने काम किया है, चाहे कोरोना काल की बात है चाहे किसान आंदोलन की बात है, हर तन मन धन से अब भी इकट्ठे और आगे भी इकट्ठे रहे। हमारा एक क्वेश्चन है जो हम समझ नहीं पा रहे या हम समझा नहीं पा रहे कि एक तरफ तो आप कह रहे हो 5 पांडव है, दूसरा हम कह रहे हो कि जेजेपी बीजेपी के अलावा किसी और को मिल जाएगी कि टिकट तब हम समर्थन करेंगे, क्लियर क्या करना चाह रहे हो आप? देखिए जो घमंडी आदमी है टिकट कह रहे हैं अपने घर पे देगा जाए, उसको तो कोई देगा नहीं, रोड पे चलते आदमी को चाहे किसी चाय वाले को दे दो, हम कांग्रेस के साथ।
कल बड़ा समा एक भाईचारा सम्मेलन भी यहाँ खाप प्रवक्ता सुबह सिंह समैन कांग्रेस में काफी समय से लगे हुए, उन्होंने एक प्रदर्शन भी किया था, शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, तो क्या कहेंगे उसको? देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन था, कांग्रेस के वोट थे, कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस का बढ़ावा ही मिल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ उनकी मेहनत और उनका धन्यवाद, बहुत बढ़िया जी। भाई पकौड़े खाते हैं बढ़िया।